हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द चैरिट वर्ल्ड पे। सो फ्रेंड्स, अभी आने वाला है 4/4 पोर्टल। 4/4 पोर्टल यानी कि 4 अप्रैल। सो इस डेट से क्या चेंजेस आने वाले हैं, इसके क्या इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी पे, ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। इसमें से कुछ सिम्टम्स होंगे जो आपसे रिजोनेट करे, जो कि आप फील करो, कुछ ना भी करो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस करें, बट कुछ चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और क्या करंट एनर्जीज रहने वाली हैं डीएम एंड डीएफ की। सो इसके लिए कुछ तो मैंने टैरो कार्ड से भी हेल्प लिया है इस एनर्जी को निकालने के लिए, और कुछ है जो मुझे रिसीव हुई हैं एंड इंटुटिवली आया है। सो मैं वो सारी चीज़ों को, हर एक गाइडेंस को जो कुछ भी मुझे मिला है इस पोर्टल के लिए, और जो कुछ भी एनर्जीज मैंने पिक की हैं वो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। तो ये जो डेट है, इसके इफ़ेक्ट हो सकते हैं कि आपको एक दो दिन पहले से भी देखने से को मिले, एंड 4 अप्रैल के बाद भी देखने को मिल सकता है। सो कुछ लोगों पे इनका इफ़ेक्ट पहले भी हो सकता है, कुछ लोगों को हो सकता है एग्जैक्टली 4 तारीख से हो, और कुछ लोगों का हो सकता है, मैक्सिमम लोगों के चांसेस हैं कि 4 के बाद। सो ऐसा नहीं है कि ये जो पोर्टल्स होते हैं इनके इफ़ेक्ट सिर्फ रून फेम्स या स्टार सेट्स पे ही होते हैं, बाकी लोगों पे भी होते हैं, बट क्योंकि वो अवेयर नहीं होते, उनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, तो फिर वो नहीं समझ पाते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी वाले लोग जो होते हैं उन पर नहीं, हर किसी की, देखें तो हम हर किसी की स्पिरिचुअल जर्नी होती है, हर किसी की अपनी अपनी एक इंडिविजुअल जर्नी है जिसमें कि हर सोल ग्रोथ कर रही है। सो उनके उन पर भी इसका इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। अब मैं जब नोटिस करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि हाँ, उन लोगों पर भी इफ़ेक्ट किस तरीके से पड़ते हैं। सो ये 4 ही चीज़ें सिर्फ कहने के लिए होती हैं कि सिर्फ हाँ ये होता है कि जो भी ट्विन स्टार से नेटवर्कर्स होते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, तो क्योंकि वो ऑब्जर्व करना सीख रहते हैं, वो अवेयरनेस में रहते हैं, तो इन चीज़ों को रिसीव कर लेते हैं जल्दी, उन्हें पता चल पाता है, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। सो देख के स्टार्ट करते हैं फिर। अब तो डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी निकल के आई है, स्टार्ट करते हैं हम वहीं से क्योंकि ऑब्वियसली आपको ज़्यादा मतलब जो वेटिंग में रहा था, तो यहाँ पर डेप्स होती हैं इस चीज़ से कनेक्टेड, सो वो डिवाइन मैस्कुलिन को सुनना चाहती हैं। तो चलिए आज आप लोगों को ही मैं खुश कर देती हूँ, पहले मैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बताती हूँ आपको। सो डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में मैं सच बताऊँ ना तो टावर मोमेंट क्रिएट होने वाले हैं, हो रहे हैं या फिर होंगे। तो टावर का कार्ड आया था एंड डेथ का भी। सो टावर एंड डेथ दोनों ही चीज़ें एक के बाद एक। तो टावर मोमेंट आप समझ सकती हैं कि ये उनको हिला देने वाली चीज़ें हैं, जो कि उनकी लाइफ की उनको अंदर और बाहर से हर तरफ से एक शॉकिंग हो सकता है उनके लिए, जिसमें से कि उनको संभलना मुश्किल लगे या फिर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ। अब देखो भी हम देखें तो कहीं ना कहीं हम जो लोग जिनको पता है, जिस पार्ट को पता है काउंटर DMDF में से जिनकी एक की अवेकनिंग हो रही है, तो उनको तो पता होता है, और जिनको नहीं पता होता है तो उनके लिए जो जर्नी होती है हम देखें तो हमसे ज़्यादा हार्ड, हमसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट उनकी होती है। देखने में हमें लग सकता है कि अरे वो तो मज़े कर रहा है, उसे क्या है, ऐसा वैसा, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। आप वो उन लोगों की जर्नी में देखो ना, तो वो उनका जो सिचुएशन होता है वो एक बेचारा वाला सिचुएशन होता है कि ना इधर का ना उधर का, उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। अब हो सकता है कि उनके जो पास्ट कनेक्शंस रहे हो तो उन्होंने उससे मूव ऑन कर लिया हो, तो उनको लगता हो कि अरे मैं तो इसे भी कर लूँगा, मैं तो ये सब चीज़ कुछ नहीं है, निकल जाऊँगा, ठीक है, बट ये चीज़ हो तो उनसे भी नहीं पाता है। तो अगर आप लोग काउंटर पार्ट्स हो और ट्विन फ्लेम हो, तो या फिर एक डीप बहुत डीप लेवल के सोलमेट भी होना, अगर अच्छे खासे लाइफ टाइम आप लोग साथ बिता गया हो तो भी अगर एनर्जी उस लेवल से कनेक्टेड है, तो ये चीज़ें उतनी इजी नहीं रहती हैं कि एक बहुत मजे कर रहा हो और एक बहुत एकदम एक चिलपिल कर रहा हो और एक पूरा डाउन हो, तो दोनों साइड ही उसका इफ़ेक्ट जो होता है वो होता है। तो उनको तो और समझ में भी नहीं आ रहा होता है कि क्या होता है, वो तो बेचारे कंफ्यूज रहते हैं, उनका सिचुएशन होता है ना वो हमेशा द हैंगमैन वाली हालत में रहते हैं,
मतलब उनको समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि ये क्या है और उनके साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही है। इससे पहले तो उन्होंने मूव ऑन कर लिया था, तो वो ऐसा भी कुछ सोच रहे हैं। और उनके घर में हो सकता है कुछ इस तरीके की कंडीशंस हो कि जैसे उनको ओवरकम करना हो, या फिर जहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे हों घर में, कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ तक मुझे रिसीव हुआ है, जहाँ से कि उनके लिए वो टफ़ सिचुएशंस हैं, जहाँ पे कि उनका मेंटली भी वो एक हरासमेंट हो रहा है, ठीक है, मेंटली भी वो डाउन हो रहे हैं और फिजिकली भी मुझे एक टायर्डनेस दिख रही है उनके अंदर। और साथ ही साथ उसको ना उनको मतलब डीएम को ऐसा मानो जैसे कि वो एक बच्चे हों, क्योंकि अगर कोई भी हो, चाहे वो किसी भी एज के हो, अगर किसी चीज़ को लेके समझ नहीं है, किसी भी बात को, चाहे वो कोई भी हो आपके रिश्ते में, मैं सिर्फ डीएम की बात नहीं कर रहा, अगर उनके अंदर समझ नहीं है ना, या फिर उनको पता नहीं ये चीज़ें क्या हैं, तो उनको बच्चा ही मानो, उनको ब्लेम करना या फिर उनसे कुछ शिकायत रखना ये सब वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है इन बातों का। तो उनको बच्चे की तरह लो। और वैसे भी जो मैस्कुलिन होते हैं वो थोड़े ज़्यादा इमैच्योर होते हैं फैमिली, अगर हम कंपेयर करें तो देखते हैं, हमको देखने को मिलता है इस तरीके से। और वो लोग काफ़ी, क्योंकि माइंड से डील करते हैं, तो वो उन्हें लगता है कि हर चीज़ माइंड लेवल पे ही चलता है और वो आराम से इस चीज़ को ओवरकम कर लेंगे। बट जब उनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो उन्हें फेमिनिन्स याद आती हैं, और ये चीज़ें अभी हो रही हैं कलेक्टिव में, ठीक है। और इस पोर्टल का इफ़ेक्ट उन पे भी हो रहा है शायद से, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, उनको ऐसा भी लग रहा है कि ये मैं कॉल उन्हें कर लूँ या फिर मैं मैसेज कर लूँ, बट वो कहते हैं ना कि खुद को रोक लेना, तो वो खुद को रोक ले रहे हैं और अपने आप में ही वो भी मगन हैं और खुद में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ठीक है मैं जैसा हूँ जिस हाल में हूँ, वो अंदर से खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं उसी के से वो जिस कंडीशन में है उसमें। और डेथ का कार्ड है तो डेफिनेटली एक कर्मा साइकिल है जो कि उनके लाइफ से एंड होगा, हैं कुछ कर्मा साइकिल एंड होंगे हो सकता है। और क्योंकि ऐसी एनर्जीज बार बार रिसीव हो रही हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन की, जो घर वालों में भी हो सकता है कि किन्हीं की डेथ हो, क्योंकि आज मुझे ड्रीम में भी डेथ दिख रहा है एंड ऐसे टैरो कार्ड की वीडियोस भी मेरे सामने आ रही जिसमें कि इस तरीके की चीज़ें आ रही थी, एंड मुझे भी ऐसा रिसीव हो रहा है हर जगह से। तो फिर कुछ ना कुछ एंड तो है डीएम की लाइफ में, कुछ डेथ वाली कंडीशंस तो हैं, उनके फैमिली मेम्बर या रिश्तेदार या फिर कोई क्लोज वन भी, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, हर केसेस नहीं मैं कहूँगी, बट मैक्सिमम केसेस कि मैक्सिमम जो चांसेस है कि उनके जो कर्मा साइकिल हैं वो एंड होंगे, है ना। अब हर इतने सारे डीएम्स होते हैं तो जरूरी नहीं है ना कि हर एक, कोई एक दो हो सकते हैं जिनके लिए ये चीज़ें हों कि उनके किन्हीं क्लोज वन की, उनके फैमिली रिश्तेदार में किन्हीं की डेथ हो, लेकिन जो बाकी जगह मैं बताऊं तो उसका यही है कि कर्मा साइकिल एंड होगा, ठीक है। और उनके अंदर से कुछ चीज़ें जो कि अब तक वो एक पैटर्न नहीं ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, तो वो एक पैटर्न वो ब्रेक करने वाले हैं, जिस कारण कि इस तरीके की जो एनर्जी है वो एक डेथ वाली एनर्जी दिखी। सो वो खुद में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है एक तरीके से देखे तो। यूनिवर्स उनका भी इनडायरेक्टली हुए में निकाल ही देते हैं, मतलब इनर वर्क निकलवा ही लेते हैं, करवा ही लेते हैं उनसे, है ना। सो अभी वो बिल्कुल केयर फ्री होके चलने की सोच रहे हैं, जैसे एक फूल वाली मैं एनर्जी कहूँ तो एक वैसी वाली एनर्जी है कि जहाँ पे बिल्कुल केयर फ्री होके वो आगे बढ़ रहे हैं। एंड खुश नहीं कह सकती हूँ मैं, खुश तो वो ऑब्वियसली नहीं है अभी वाली एनर्जी में, बिल्कुल नहीं है। और इसके बाद कुछ चीज़ें, कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकती हैं अपनी बॉडी पे, जैसे कि मैं बताऊं तो हो सकता है कि आपके कुछ पिंपल्स या फिर घाव आपके फेस पे या किसी बॉडी पार्ट पे नज़र आए, या कोई पुरानी को पुराना कोई डिजीज़ हो जो कि मतलब कुछ ठीक ठाक लेवल पे हो लेकिन अभी वो ज़्यादा सरफेस पे आ रहा हो, तो ये वाली एनर्जीज हैं। एंड साथ में साथ ही साथ आप नोटिस करोगे कि आपको नींद ज़्यादा आ रही है दिन में और रात को नींद कम आ रही है, या फिर मतलब लेट से आ रही है बट दिन में आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, टायर्डनेस जैसी लग रही है। तो इस तरीके की फीलिंग्स जो है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये आपके साथ होती हुई नज़र आ सकती हैं। एंड मैं डीएम्स की बात में करूँ तो एक एनर्जी, सॉरी मैं मिस हो गई थी बोलना, ये कार्ड में भी आया था। सो ये एक
इमोशंस जो हैं उनके, वो बिल्कुल इमोशनली ब्रेकडाउन है यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एंड इमोशंस बिल्कुल बिखरे पड़े हैं और अंदर बिल्कुल एक अंधेरा फील कर रहे हैं वो, और उनको इस अंधेरा से लाइट में जाना है, लेकिन फ़िलहाल वो अभी उस अंधेरे में हैं। और कहते हैं ना कि अंधेरा के बाद ही लाइट आती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अवेकनिंग सो हो रही है, क्योंकि ये गहरे डार्क के बाद ही हम लाइट में, लाइट की ओर बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डीएम की अवेकनिंग भी हो रही है। जिनको भी ऐसा कुछ साइन सिम्टम दिख रहा हो कि डीएम के डेट ऑफ बर्थ दिख रहे हो, नेम दिख रहे हो, ड्रीम हो दिख रहे हो, हर जगह से सिर्फ आपको उन्हीं का नाम सुनाई दे रहा है, इस तरीके की चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं अगर आपके साथ हो रही है ना ड्रीम्स में, या फिर आप लोगों का रियूनियन दिखाया जा रहा है ड्रीम में, रिकंसिलेशन दिखाया जा रहा है, वो आपसे कुछ कह रहे हो या फिर उनका कुछ मैसेज आया हो, इस तरीके की चीज़ें दिखाई जा सकती अगर आपको दिख रही हैं, ठीक है, तो फिर आपकी डीएम की अवेकनिंग जो है वो हो रही है, और 11-11 मोस्टली आपको दिख रहे होंगे, ठीक। तो ये थी हम डीएम्स की एनर्जी। अब आते हैं डिवाइन फैमिलीन की एनर्जी पे। तो कुछ साइन सिम्टम्स जो मैंने अभी बताया था कि आपकी बॉडी पे आपको दिख रहे होंगे, ये तो है ही, ये सारी चीज़ें तो हो रही होंगी। एंड जो डिवाइन फैमिलीन है वो अभी पावर में आ रही हैं, मतलब वो ना वो इमोशनली ब्रेकडाउन में है, ना वो मतलब अच्छा फील कर रही हैं। उनकी बॉडी में हो सकता है जो भी थोड़ी बहुत चोट लग रही हो, या फिर कुछ डिजीज़ आ रहे हो, या कभी कभी एक मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। कभी आपको लगता होगा कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो पूरी बैलेंस हूँ, और कभी कभी लगता होगा क्या कि कुछ कम ही टाइम के लिए ऐसा होता होगा, बट ऐसा लगता है कि जैसे मैं डाउन हो रही हूँ, एंड फिर से आप वापस से रिचार्ज खुद को कर लेते हैं अपने ऊपर काम करके, या फिर आपको जो चीज़ें पसंद हैं आप वो करके, ये वाली एनर्जी। एंड साथ ही साथ अभी आप अपने डीएम के साथ एक डिटैचमेंट फील कर सकती हो, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ एक डिटैचमेंट फील हो सकती है। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, बट एक वो नंब कर दिया जाता है कभी कभी। एंड जब डीएम की अवेकनिंग होती है तो मोस्टली डीएफ की लाइफ में ग्रोथ स्टार्ट हो चुका होता है, तो अभी आपका ग्रोथ स्टार्ट हो चुका है, आप आराम से खा पी रहे होंगे, घूम फिर रहे होंगे, और एकदम मस्त शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हो, मतलब आपको ऐसा सब फील होगा, और आपको साथ साथ ये भी एनर्जी पिक होगी कि उधर जो है कुछ गड़बड़ चल रहा है, मतलब कुछ तो ऐसी वाली आपको एनर्जी पिक हो सकती है। जैसा कि मैंने किया है ये एक्सपीरियंस, तो मैं बता सकती हूँ कि ऐसा हो रहा है। तो आपका, आप कहीं ना कहीं एक डिवाइन मैस्कुलिन की जो फीलिंग अगर आ रही हो, तो आप उसको भी एक कुछ मेमोरी आ रही हो आपकी यादों में, कुछ ऐसा सीन आ रहा हो, सिनेरियो आ रहा हो, कुछ पहले का मोमेंट या भी कुछ भी, तो आप उसको अवॉइड करती हुई नज़र आ रही है। इग्नोर डिवाइन मैस्कुलिन के थॉट को आप इग्नोर कर सकती हो, एक ऐसी वाली एनर्जीज भी आ रही थी। एंड साथ ही साथ आप अपने सोल पर्पस को लेके जो है वो एक अवेयर हो, अपने काम को लेके अवेयर, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने सोल पर्पस, अपने मिशन के ऊपर काम कर रहे हो आगे बढ़ के। अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो ही ये जो मैस्कुलिन की अवेकनिंग वाली जो मैंने भी बताई थी, ये चीज़ें आपके डीएम के साथ हो रही होगी। अगर आप इस एनर्जी में हो कि आपको लग रहा है कि मैं इग्नोर कर रही हूँ, और फिर आपको ये भी हो सकता है, लग सकता है कि मैं इग्नोर क्यों कर रही हूँ, बट आप इग्नोर कर रही हो, एंड एक बैलेंस भी है, डिटैचमेंट भी है, हाँ, और ग्रो भी कर रही हो, अर्न भी कर, सब कुछ कर रही हो, बट अपने लाइफ में कभी कभी आपको डाउन फील हो रहा होगा, लेकिन ओवरऑल ये सारे एक्सपीरियंसेस अगर आपको हो रहे हैं, तो आपके डीएम और जो भी मैंने बाकी चीज़ें बताई हो, तो आप इनसे रेजोनेट करें, सुने कि इसमें कितनी सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट की हैं, ठीक। तो उस आधार पर आप समझ सकते हैं कि अपने डीएम की एनर्जी एंड अपने डीएफ, मतलब आप अगर डीएफ हो तो ऑब्वियसली, और अगर कोई डीएम एनर्जी सुन रहे हैं तो वो भी बता सकते हैं कि ऐसा है या फिर नहीं है, ठीक है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और हो सकता है ये डिवाइन फैमिलिन के लिए, कि आपको भी, आपके भी कुछ कर्मा साइकिल सरफेस पे आ रहे हों, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें हो रही हैं करेंटली, और मेरे साथ भी हो रही हैं। सो कुछ कर्मा साइकिल ऐसे हैं जो भी अचानक से आपको, ये कुछ छोटे मोटे कर्माज होंगे जो अभी आपको फील हो रहे होंगे। कुछ टाइम पहले तक ऑब्वियसली कुछ लोगों को कुछ बड़े बड़े कार्मिक ट्रिगर मिले हों, या फिर आगे पीछे थोड़ा बहुत होता है, इट्स ओके, बट कुछ कर्मा साइकिल आपकी भी, आप पे भी आ रहा है, और आप उसको रिजॉल्व कर रही हो। तो इस तरीके की जो है ये फोर्थ पोर्टल पे एनर्जी जो है आपको इफ़ेक्ट कर रही है।
कुछ बॉडी पेन्स हो सकते हैं, जैसे कि आपके को बैक पेन हो सकता है या फिर पैर में दर्द हो सकते हैं, तो ये सब जो एनर्जीज आप रिसीव कर रहे हो वो बस उसका इफ़ेक्ट है, ठीक है। और जो ब्लॉकेज, जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें दर्द या फिर पुरानी जो चीज़ें हैं, कुछ डिजीज़ या फिर ये आपको सरफेस पे आती हुई दिखेंगी, तो वो भी एक कर्मा, जो आपकी कार्मिक एनर्जी है वही रिलीज़ हो रही है, ठीक है, इस फोर पोर्टल पे। सो इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए और अपना इनर वर्क अच्छे से करते रहिए। बाकी आप समझ सकते हैं कि जो डिवाइन मैस्कुलिन की कंडीशन है तो वो सही नहीं है, और वैसे भी देखे तो कितना टफ होता है। कम से कम डिवाइन फेमिनिन या जो भी अवेकन होते हैं, अवेकनिंग में होते हैं, उन्हें पता तो होता है, वो क्लियर तो रहते हैं, उनके पास क्लैरिटी तो होती है। उन लोगों के पास देखो तो फिर एक क्लैरिटी ही नहीं रहती है ना। तो डिवाइन मैस्कुलिन को तो इस चीज़ की क्लैरिटी भी नहीं होती है ना, वो तो खुद कंफ्यूज हुए, कंफ्यूज्ड हुआ इंसान। आप सोच सकते हैं उनकी हालत, जिसको जिनको कि ना तो अपनी डिविनिटी का अभी अंदाज़ा है, उन्हें अभी कुछ भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए कितनी टफ हो सकती है सिचुएशन। हमको तो डिवाइन भी गाइड करते हैं, हम लोग को गाइडेंस मिलती है, हम लोग समझ पाते हैं, उनको तो मिल भी रही होगी तो वो समझ नहीं पा रहे होंगे। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक करिए, ताकि ये जो चैनलिंग है ये और भी लोगों तक पहुँचे और उनकी हेल्प हो सके, ठीक। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।